गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लास 12 का एक चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करूंगा। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम जिसमें बैलेंस शीट के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और आप बोल सकते हो एडजस्टमेंट एंट्री दिया रहे, ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन और बैलेंस शीट के हेल्प से एज पर AS3 एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, डेट है 31 मार्च 2019। ये देखिए कॉलम 19 है, दिस इज आवर करेंट ईयर, और ये कॉलम 18 है प्रीवियस ईयर। शेयर कैपिटल में देखिए कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इशू ऑफ शेयर या रिडेम्पशन ऑफ शेयर कुछ नहीं होगा, शेयर कैपिटल नो चेंज। रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 1 देखेंगे तब बता पाएंगे। चलते हैं नोट नंबर 1 की तरफ। 1,68,000 से 2,04,000 हो गया, इसका मतलब करेंट ईयर प्रॉफिट आपका 36,000 हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले करेंट ईयर प्रॉफिट आता है, सरप्लस अकाउंट का डिफरेंस करेंट ईयर प्रॉफिट कहलाएगा। जनरली जब 9 लाख से 9,30,000 हो गया तो ट्रांसफर इसका ₹30,000 माना जाएगा। 9 लाख था, 9,30,000 हो गया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होता है ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस का। इसके अलावा देखिए बोरोइंग्स, यहाँ कुछ था नहीं, अचानक से बोरोइंग आ गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, लोन टेकन, मॉर्गेज लोन टेकन बोल के आएगा, पॉजिटिव होगा 8,10,000 प्लस, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट पेड जो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों को अट्रैक्ट करेगा। ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी है, ये डिक्रीज कर गया, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बना के पता चलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स में मेड पेड के बारे में, क्या मेड और पेड हुआ है। ओके, ये देखिए फिक्स्ड एसेट 12 लाख से 960,000 हुआ, इसका भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा, इसका भी अकाउंट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट का भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसका भी अकाउंट बनाएंगे। चलते हैं थोड़ा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। ये देखिए इन्वेस्टमेंट 24,000 का था, 25,500 में बेच दिया, इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये देखिए ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट जिसका बुक वैल्यू 30,000 था उसको 36 में बेच दिया, इसका भी अकाउंट बनाना होगा, इसलिए आपको बोले थे दोनों का अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया हुआ है 27, इसका भी अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोग वर्किंग में 3 अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। इंट्रीम डिविडेंड पेड 1,20,000 नॉर्मल दिया हुआ है, कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं है, ये इंट्रीम डिविडेंड पेड है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 4 है, इन्वेस्टमेंट का है, टैक्स का है, फिक्स्ड एसेट का है। तो इन्वेस्टमेंट का, टैक्स का और फिक्स्ड एसेट का, इस तीनों का अकाउंट बना देंगे। इंटरिम डिविडेंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डायरेक्ट यूज किया जाएगा। तो ये एक नॉर्मल छोटा सा बैलेंस शीट बोलेंगे इसको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, चलिए इसका पहले वर्किंग करते हैं, उसके बाद कैश फ्लो बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करेंगे। यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में क्लोजिंग बैलेंस था 2,04,000 और माइनस ओपनिंग बैलेंस था 168,000, रिजल्ट विल बी 36,000। इसमें ऐड होगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर दिया था आपका, जनरल रिजर्व 930,000 हो गया और जबकि स्टार्टिंग में 9 लाख था, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपका 30,000 हुआ। इंट्रीम डिविडेंड आपका था 1,20,000। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया हुआ था, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया हुआ था, जो यहाँ पे मेड ही आता है, मेड मतलब अप्रोप्रिएटेड 27,000।
तो ये निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। दैट इज 213000। ये आप देख लो एक बार, यहाँ देखो आपका, यहाँ से आपका डिफरेंस 36,000 नेट प्रॉफिट आ गया, 30,000 ट्रांसफर हो गया। ये देखो आप प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया हुआ है 27, आई इंट्रीम डिविडेंड देखो 1,20,000 दिया हुआ है, इसको प्लस कर लिए, प्लस कर लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब आपको हम बना के दिखाएंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट का आप ओपनिंग देख लो 12,00,000, क्लोजिंग देख लो 9,60,000। टू बैलेंस बीडी आपका 12,00,000 है, बाई बैलेंस सीडी 9,60,000 है। ये हो गया आपका ओपनिंग क्लोजिंग। एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट में क्या दे रहा है, 30,000 का फिक्स्ड एसेट 36 में बेच दिया गया, दैट इज 6,000 रुपया का गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। बाई बैंक अकाउंट सेल 36,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 6,000। आंसर बाई साइड में आएगा, उसको बाई डेप्रिसिएशन पुकारा जाएगा। ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया 12,06,12,06। ये हो गया आपका 0,210, ठीक है, 2,10,000 हो गया आपका डेप्रिसिएशन। अगला अकाउंट बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप पहले इन्वेस्टमेंट का देखो, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 180। नीचे देखो आप, 24 का इन्वेस्टमेंट 25,500 में सेल किए हैं, या 1,500 गेन होगा। तो चलते हैं इसका बैलेंस देते हैं सबसे पहले। टू बैलेंस बीडी 1,50,000, बाई बैलेंस सीडी 1,80,000। इंफॉर्मेशन है 24 का 25,500 में बेच दिया, तो यहां लाते हैं बाई बैंक अकाउंट सेल 25,500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 1,500। मशीनरी की तरह ही कर दिए, फिक्स्ड एसेट की तरह कर दिए। इसका टोटल होगा आपका 205, इधर लाइए 205, यह आंसर आएगा टू बैंक परचेज, मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, फाइन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम होगा, तो 54 आएगा शायद, ये 25,500 होगा, ये भी 500 होगा, 0,0,0,4,54, ये आ गया टू बैंक परचेज। ओके, और एक अकाउंट बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, बाई बैलेंस बीडी। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस था आपका 225,000। टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस आपका ओनली 30,000 था। अच्छा, बाई पीएल मेड दिया हुआ था 27,000। ये हो गया 252,000। टू बैंक पेड, ये आ जाएगा आपका 222,000। ओके, इसको भी आप देख लो, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग 225, क्लोजिंग 30, अब मेड देखो, मेड 27, तो बाई बीडी 2 CD बाई पीएल, ये 252 यहाँ गया, 222 फेड आ गया। इन्वेस्टमेंट देखो, ओपनिंग में 2 BD बाई CD बाई बैंक सेल 2 PROFIT, तो 2 BANK परचेज आ गया। ठीक वैसे ही फिक्स्ड एसेट्स में 2 BD बाई CD बाई बैंक सेल 2 PL प्रॉफिट, यहाँ डेप्रिसिएशन आया।
और ये सबसे पहले प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड उसमें ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड किए, इंट्रीम डिविडेंड ऐड किए, टैक्स ऐड किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब चलिए चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले ए नंबर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एएस थ्री का पहला एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है और ये स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग का आया था 213,000। एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसमें ले आते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन आपका आया था 210,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स निगेटिव होगा 6,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हुआ था 1,500। क्लियर है? ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था 1,500, फिक्स्ड एसेट का था आपका 6,000। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन तो आया है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन लोन कब लिया गया ऐसा कोई डेट नहीं है, तो ये एज्यूम कर लेते हैं ईयर एंड में लिया गया था, इसलिए इंटरेस्ट फैक्टर को कैंसिल कर देंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा। एज्यूम कर लिए कि इंटरेस्ट ईयर एंड में लिया गया था, ठीक है, तो इंटरेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर निकाल देंगे, ये आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हो गया 4, 23, 7, 16, 4, 15, 500। इसमें लाते हैं एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन सीए एंड सीएल। सीए सीएल का चेंज को तो यहीं दिखाना पड़ेगा, उसको आप एक बार देख लो। इन्वेंट्री डिक्रीज किया है 90,000। ट्रेड रिसीवेबल काफी बड़ा अमाउंट इंक्रीज किया है 735। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज, करेंसी रेट से डिक्रीज पॉजिटिव होगा, आ इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है 735। ओके, और एक आइटम देखते हैं, ट्रेड पेएबल देखिए डिक्रीज किया है 102,102। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल ये निगेटिव होगा 102,000। अब यहाँ आ जाएगा कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और एक चीज यहाँ से लेस होता है इनकम टैक्स पेड। क्लियर है? इनकम टैक्स पेड अकाउंट बना था 222,000 था। अब इम्पॉर्टेंट है ये निगेटिव हो जाएगा, ये आपका 505,500 हो रहा है और जबकि ये 837,000 हो रहा है, तो 5,500 तो ये हो जाएगा 31,500। ठीक है, ये हो रहा था आपका 8 और वहाँ हो रहा था 5, तो 3 आएगा बट निगेटिव आएगा।
अच्छा ये इसमें निगेटिव है, लेस करना है तो वो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5,53,500। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब चलते हैं बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आएगा, तो आपका फिक्स्ड एसेट में सेल था, कोई परचेज नहीं था, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 36,000, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये पॉजिटिव होगा 36,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी सेल किए थे 25,500, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आया था, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज किए थे हम लोग निगेटिव 54,000। ये हो गया आपका 61,507,500 पॉजिटिव। इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अकाउंट बनाए नहीं थे, फिर भी आपको दिखा देते हैं। शेयर कैपिटल में देखिए कोई चेंज नहीं है, नहीं आएगा। यहाँ लोन टेकन 8,10,000 आएगा और आपका डिविडेंड पेड 1,20,000 आएगा। तो यहाँ लिखते हैं मोर्टगेज लोन टेकन, मोर्टगेज लोन टेकन ये पॉजिटिव होगा 8,10,000, इंट्रीम डिविडेंड पेड, इंट्रीम डिविडेंड पेड 1,20,000 निगेटिव होगा। ये आपका हो गया 690 पॉजिटिव। देखते आंसर पॉजिटिव ही रहता है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें ओपनिंग जोड़ेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आंसर आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहां आंसर देखना होगा हमको, ये आपका 144 है। देखा जाए बैलेंस शीट आपको क्या बोल रहा है। ये देखिए कैश का 447 था, 591 हो गया, तो यहां पर आपका 4, 4 और 1 आंसर इंक्रीज होना चाहिए 144। ये देखिए 144 आया भी है, तो ओपनिंग देते हैं आपका 447,000, इसको प्लस करते हैं 591,000 क्लोजिंग होना चाहिए। ये देखिए 591,000, तो इसका मतलब सही बना है। तो ये रहा आपके सामने कैश फ्लो। कैश फ्लो एएस के हिसाब से, एएस थ्री के हिसाब से तीन एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, लास्ट में प्लस आया, नेट इंक्रीज, ओपनिंग दिए, क्लोजिंग आ गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।